गुड इवनिंग। आशा है, विश्वास है, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने आपको राजनीति विज्ञान की परिभाषा बतलाई थी। आज हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हर विषय का अपना एक विषय क्षेत्र होता है कि वो किन विषयों का, उस विषय के अंतर्गत हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान का भी अपना एक विषय क्षेत्र है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संबंध में विद्वानों में मत वैभिन्न था। परंपरावादी अलग विचारधारा के थे, उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो आधुनिक राजनीतिक विद्वान हुए, उन्होंने संस्थागत अध्ययन को स्वीकार किया, लेकिन संस्थागत अध्ययन के साथ साथ उन्होंने प्रक्रियाओं पर और मानव व्यवहार पर भी बल दिया। तो इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। तो हम पहले देखते हैं कि प्रारंभ से राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या माना जाता है। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान, यदि हम प्रारंभिक विचार से प्रारंभ करते हैं, तो ट्रेडिशनल जो पॉइंट है, ट्रेडिशनल व्यू जो है, उसमें राजनीति विज्ञान को किसका अध्ययन बताया है? राज्य का। ये हम देखते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ। आज जो हम विशाल राष्ट्र राज्य देखते हैं, ये प्रारंभ में ऐसे नहीं थे। कुछ लोग एक जगह निवास करते थे, ग्राम बने, जनपद बने, भूमंडल बने, और उसके बाद धीरे 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 करके इन राज्यों का रूप उन्होंने ग्रहण किया। तो ये कहा जाता है कि प्रारंभ में जो राज्यों का स्वरूप था वो कुलों का था। जब एक परिवार के सदस्य मिलकर एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने लगे, तो उसे क्या कहा गया? कुल कहा गया। उन्होंने अपना संगठन बना लिया। उसके बाद जब वो एक जनपद पर स्थायी रूप से निवास करने लगे, तो उसने एक कबीले का रूप ग्रहण किया, और इस कबीले को ही आगे जाकर जो थोड़ा उनकी जब जनसंख्या और बढ़ गई, तो यूनानी भाषा में उनको नगर राज्य कहा गया। लेकिन वर्तमान समय में जनसत्ता के आधार पर साम्राज्य अस्तित्व में आए। आज राज्यों का रूप पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। वैसे छोटे छोटे राज्य जो यूनान में उस समय हुआ करते थे, वैसे राज्य नहीं हैं। अब विशाल राष्ट्र राज्य हैं, और विशाल राष्ट्र राज्य होने के साथ साथ राज्यों ने लोकतांत्रिक जनसत्ता का रूप ग्रहण कर लिया। अब राज्यों का विकास इस हद तक हुआ कि अब हम एक विश्व राज्य की संकल्पना भी करते हैं। आज के राज्य वो हैं जिनके पास सॉवरेंटी है, संप्रभुता है। हम यदि प्राचीन समय से राज्यों को देखें, तो एक समय ऐसा भी था जब राज्य के दैवीय अंश को स्वीकार किया जाता था। राज्य को क्या स्वीकार किया जाता था कि राज्य को किसने बनाया है? भगवान ने। और राज्य किसका रूप है? भगवान का। तो इसलिए राज्य के आदेश भी किसके आदेश हैं? ईश्वरीय आदेश हैं, इसलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। जब हम इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन, तो उसमें आता है राज्य के वर्तमान का अध्ययन। राजनीति शास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि वर्तमान समय में राज्य का प्रयोजन क्या है, राज्य किसके लिए है, राज्य के क्या काम हैं, राज्य क्या काम करता है, उसके उद्देश्य क्या हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी हम इसी दृष्टिकोण से करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य, एक राज्य
मैंने आपको कल भी बताया था, आज वर्तमान समय में कोई भी एक देश, एक राष्ट्र, एक राज्य एकाकी नहीं रह सकता। सब देश, सब राष्ट्र, सब राज्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इसलिए अब तो हम विश्व राज्य की कल्पना करते हैं और उसी के आधार पर राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र भी बहुत व्यापक और विस्तृत हो गया। इसके अतिरिक्त राज्य के भविष्य का अध्ययन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसे हम चाहे व्यक्ति के संबंध में कहें ये बात, चाहे समाज के संबंध में कहें, और चाहे एक देश के राष्ट्र के संबंध में कहें, किसी के भी संबंध में कहें, परिवर्तन एक स्वतः प्रक्रिया है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन निश्चित है। तो इसलिए आज जो राज्य का स्वरूप है वो भी अंतिम नहीं है। जो राज्य का स्वरूप हजारों साल पहले था वो भी अंतिम नहीं था। राज्य ने बहुत विकास किया। तो इसलिए कहा जाता है कि राज्य के स्वरूप, उद्देश्य, कार्य, जैसे जैसे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया, वैसे वैसे राज्य की जो रूप है और राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन आता गया। कुछ विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान में ठीक है, हम राज्य का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन राज्य के साथ साथ जो मेन है, जो मुख्य है, जो राज्य की इच्छाओं को कार्य रूप में परिणित करती है, वो कौन है? सरकार। तो राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सरकार का अध्ययन भी किया जाता है। तो राज्यों की उद्देश्य की पूर्ति सरकार के द्वारा होती है। राजनीति शास्त्र में हम सरकार के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सरकार अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। सरकार के अनेकों रूप है। सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें भी हमें ये देखना होगा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध अलग होते हैं तो सरकार का रूप अलग होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध अलग हैं तो सरकार का रूप भी दूसरा होता है। तो इसलिए सरकार का हम व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान भी एक विकासशील विषय है, क्योंकि राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? मनुष्य से। और आज यदि हम आज के 5000 वर्ष पूर्व के मनुष्य की कल्पना करते हैं, 5000 वर्ष पूर्व के मनुष्य की कल्पना करते हैं, तो उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं अलग थी, आवश्यकताएं अलग थी, उसकी प्राथमिकताएं अलग थी। तो जिस भी व्यक्ति के पास शक्ति थी, सत्ता थी, उनका कार्य क्षेत्र अलग था। आज हम ये देखते हैं कि आज व्यक्ति के जीवन का रूप स्वरूप बिल्कुल बदल गया। तो इसीलिए आज मनुष्य की समस्याएं जो हैं, पहले हमारी समस्या मुख्य रूप से हम जंगल में रहते थे और मनुष्य भी एक पशुवत या पशु की तरह ही अपना जीवन बिताता था। तो जैसा हमारा जीवन था वैसी हमारी आवश्यकताएं थी और वैसी हमारी समस्याएं थी, लेकिन आज जीवन बहुत विकसित है तो इसलिए हमारी आवश्यकताएं भी बहुत अलग हैं। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि मनुष्य की समस्या पहले की अपेक्षा बिल्कुल बदली हुई है, राज्य की भी समस्या भी बिल्कुल बदल गई। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान जहाँ राज्य की उत्पत्ति, उसके विकास आदि का अध्ययन करता है, वहाँ आधुनिक वातावरण का भी अध्ययन करता है, जिसमें राजसत्ता की स्थापना, अभिव्यक्ति तथा प्रयोग होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं
कि आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान में क्या परिवर्तन आया। थैंक यू।